16 तारीख को कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन इंटक के तत्वावधान में निर्माण श्रमिकों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन था और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्रम मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी को हम लोग मांग पत्र सौंपे हैं जो मजदूर के हित में है। सरकार ने मजदूर के हित में बहुत सारी योजना लगाई है, इतनी योजना है फिर भी उस योजना को मजदूरों को लेना बहुत कठिन है। जो निबंधन होता है मजदूरों का उसमें इससे पहले श्रमिक संगठनों की भागीदारी थी तो बहुत आसानी से होता था, पदाधिकारी भी दबाव में अपने आप को महसूस करता था, लेकिन कुछ दिन पूर्व कुछ महीनों पूर्व श्रमिक संघ की जो भागीदारी थी समाप्त कर दिया है। लेबर विभाग एक मनमाने ढंग से काम कर रहा है, लेबर योजनाओं को सामान की तरह बेच रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर धरना प्रदर्शन था तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए और सुप्रिंटेंडेंट साहब को मांग पत्र सौंपे हैं। जी सर, ये इस मांग में क्या क्या था? इस मांग में था कि प्रमुख मांग था कि जो 60 लाख श्रमिक हैं, 60 लाख निर्माण श्रमिक हैं बिहार में, अब तक 14 लाख का ही मात्र रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का निबंधन हो और ये तब होगा जब श्रमिक संगठन को ये निबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करेगा सरकार। तो ये मांग एक ये था। दूसरा मांग था कि 2500 रुपया वस्त्र सहायता का श्रम मंत्री पिछले 2 वर्षों पहले ऐलान किया, पेपर में सैकड़ों बार नीतीश कुमार जी इसको निकलवाए कि 2500 रुपया वस्त्र अनुदान हम गरीब को देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ये भी मांग था कि जो आपने योजना लाई है जिसके लिए आपने पूरा ढिढोड़ा पीटा पूरे बिहार में भारत में, वो गरीब को मिला नहीं तो गरीब को मिलना चाहिए। मनरेगा मजदूर है जिसका कि जो मजदूरी है उसका मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ, जबकि वो निर्धारित था कि 2 साल के बाद करना है, वो आज तक नहीं हुआ, उसका मूल्यांकन कर और जो आज के तारीख में उचित होना चाहिए मजदूरी वो बहाल करे। ये भी मांग था। अगला कार्यक्रम सर आप? अगला कार्यक्रम अब प्रदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अब अगला कार्यक्रम जो आदेश होगा पटना से, चंद्र प्रकाश जी हमारे जो कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो आदेश होगा दिशा निर्देश होगा उसके आलोक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मजदूर अपनी समस्या के लिए फिर लड़ाई लड़ेगा।